संस्कार राजधानी जबलपुर में इन दिनों लुटेरी गैंग सक्रिय है, जो लगातार एक के बाद एक वारदात को अंजाम दे रही है। इसी बीच रीवा से जबलपुर आ रहे युवक के साथ बस में अज्ञात तत्वों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने लूट के बाद युवक को बस से उठाकर नाले में फेंक दिया। दरअसल रीवा से जबलपुर आ रहे युवक अंकित तिवारी ने बताया कि जब वह बस से जबलपुर आ रहा था, तब उसकी देर रात अचानक नींद लगने की वजह से बस में कुछ अज्ञात तत्वों ने उसके साथ नींद में ही लूट की घटना को अंजाम दे दिया और 3,000 रुपए नकदी और उसका मोबाइल लूट लिया और घटना को अंजाम देने के बाद उसे बस से धक्का देकर नाले में फेंक दिया, जिसके कारण उसके घुटने और सिर में कुछ चोटें भी आई हैं। और अगले दिन जैसे ही उसे होश आया तो वह हड़बड़ाहट में एसपी कार्यालय पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। वही इस मामले के बाद एसपी ने उसके शिकायत संज्ञान में लेते हुए थाना माड़ोताल को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मैं रीवा से जबलपुर आ रहा था सर, ये रीवा से जबलपुर आ रहा था तो ये गाड़ी वाला मुझको आधी रास्ते में मेरी मोबाइल और सब छीन लिया और मुझको नाले में फेंक दिया। 3,350 रुपये मेरी मम्मी दी थी, मेरा भाई सबूत है। गाड़ी में बैठाया था रीवा, 10 बजे से गाड़ी से बैठे थे रीवा से। कौन सी गाड़ी थी? प्रधान ट्रेवल्स। मारपीट वही कंडक्टर मारा था एक लात, तो हम गिर गए थे नीचे बस। अभी आप कहाँ हैं? अभी हम जबलपुर एसपी ऑफिस के सामने खड़े हैं। अंशुल तिवारी नाम है, पापा का नाम सुरेंद्र प्रसाद तिवारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।